नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंफ्रार्थ में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आप ये देख रहे हैं, ये सहारा का हॉस्पिटल बना हुआ है और ये गेट नंबर 1 है। पीछे आप होटल देख रहे हैं, नोबेल्ट लिखा हुआ, जिंजर लिखा हुआ, और यहाँ पे जितने भी ये मकान हैं ये सब LDA में आते हैं। दूसरी तरफ मैं रोड दिखाना चाहूँगा, आप सामने आप रोड आप देख लीजिए। इसी रोड पे आगे आपको ले चल के आज हम आपको जो रो हाउस जो दिखाने वाले हैं वो इसी रोड पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और यहीं से लगा हुआ प्रोजेक्ट है जो कि श्रीराज इंफ्रा हाउसिंग का है, तो मैं ले चल के आपको दिखाता हूँ। साथियों, आप सामने आप रोड देखिए कितनी चौड़ी रोड है। ये 30 फीट चौड़ी आपको रोड दी गई है। इसी रोड से लगा हुआ ये मकान बना है, तो आप मकान आप दिखा दीजिए और सामने आप रोड भी दिखा दीजिए जहाँ पे वो गाड़ी लेकर भैया जी खड़े हुए हैं। मेन रोड है जो कि मार्केट से ये लगा हुआ पूरा मकान है। ये 6 यूनिट यहाँ पर रेडी है जो कि डेवलपर हैं। ये कंपनी है श्रीराज इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और कंपनी का जो एड्रेस है वो आपको पत्रकारपुरम चौराहे पे पेट्रोल पंप के सामने है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये जो मकान है ये 1036 स्क्वायर फीट में पूरा ये बना हुआ है कंस्ट्रक्शन एरिया, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 26.5 x 36.5 फीट है, जो कि 940 स्क्वायर फीट हुआ, तो ये पूरा बना हुआ है। और इसका जो पोर्च जो दिया गया है, इसके लिए हम आपको बताते हैं, इसका जो पोर्च का जो साइज़ है ये 9.5 x 16.5 फीट की है, जो कि 4-व्हीलर की आपको पार्किंग मिल जाएगी। और पार्किंग के बगल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ समरसेबल पंप लगा हुआ है, तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो आपको दिखाएं। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये समरसेबल पंप ये लगा हुआ है, और पोर्च के नीचे ही इसमें टैंक बनाया गया है, सेफ्टी टैंक, और ऊपर ये पूरा जीना ये कवर्ड है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो हम सीधे ड्राइंग रूम में आते हैं। ये ड्राइंग रूम में जैसे ही आप एंट्री करेंगे, ये आपका ओपन पूरा ड्राइंग रूम है। दूसरी तरफ आप देखेंगे खिड़की लगी हुई है। इतनी बड़ी खिड़की इसलिए लगाई गई है, जैसे आप देख रहे हैं काफी बड़ी इसमें खिड़की लगी हुई है, ताकि इस ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। इसके साथ ही आप देखेंगे जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहां पर भी आपको खिड़की लगा के आपको मिल रही है, तो इसमें अभी मास्कीटो के लिए भी जाली वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लगा के आपको दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं नीचे इसमें टाइल्स इसमें लग गया है, और ऊपर जो है POP से ऊपर डिजाइन किया गया है। अब हम बताते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ये 10.5 x 19.5 फीट है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 है, और जो इसकी लंबाई है ये 19.5 फीट है। और इसी के साथ मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपका OTS रहेगा, जो कि ये कैमरामैन से चाहूँगा ऊपर OTS ये जल दिखा दें। इसी के बगल ये वाशरूम बना हुआ है, और ये वॉशरूम जो है ये 5x7 फीट का है, और जो OTS है ये 2x3 फीट का है।
अब इसी के साथ हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। जब पीछे आते हैं तो ये हमारा ये ओपन किचन इधर बना हुआ है। इसमें अगर आप देख रहे हैं नीचे भी यहाँ पर टाइल्स लग गई है और ऊपर भी इधर टाइल्स लग गई है, और बर्तन धुलने के लिए इधर वॉश बेसिन यहाँ पर लगा दिया गया है। तो इसे अगर आप चाहें तो आप इसे मॉडलर आप इसे बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये 5x9.5 फीट की है। तो ये आपका किचन हो गया, और दो इसमें बेडरूम दिए गए हैं। पहला बेडरूम आपका ये है, दूसरा ये मास्टर बेडरूम आपका रहेगा। जो आपका ये पहला जो बेडरूम है तो हम इसे दिखाते हैं आपको, इसकी डिज़ाइन आपको दिखाते हैं। ऊपर आप देखिए इसमें आप पीओपी से ऊपर डिज़ाइन किया गया है, और अभी इसमें आप पेंटिंग का वर्क नहीं हो पाया है, अभी इसमें सिर्फ पुट्टी लगाई गई है। अभी इस घिसाई होगी क्योंकि इसमें टाइल्स वगैरह लग जाने के बाद इसकी पेंटिंग होगी। और इधर भी आपको ओटीएस मिल जाएगा जो कि दोनों रूम से ये अटैच है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह रख के आप वर्क कर सकते हैं। टोटी वगैरह दी गई है, ऊपर भी ये रहेगा। और अब बात करते हैं इस बेडरूम की जो लंबाई चौड़ाई है, ये 10.5x11 फीट का ये पूरा ये बेडरूम है आपका, और बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत ही कम बजट में, जैसे जो लोग चाहते हैं गोमती नगर में लेना या विज्ञान खंड में लगता है, और यहाँ पे अगर कोई लेना चाहता हो तो ले ले। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं मास्टर बेडरूम में। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम में हम आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी टाइल्स का वर्क चल रहा है। जैसा कि अभी हमने रिक्वेस्ट किया है तो भैया जी रुक गए हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी टाइल्स लग रही है। टाइल्स अभी यहाँ पे कटिंग का वर्क चल रहा था। और ये सामने इसमें मास्टर बेडरूम है, तो इसमें का ये वॉशरूम है। आप इसमें देख रहे हैं अभी इसमें टाइल्स का वर्क चल रहा है। ये 9.5x15 फीट का ये पूरा रूम है। हम चाहेंगे इसे चारों तरफ इसे रूम को दिखाया जाए, और ऊपर पीओपी से इसमें डिजाइन किया जा रहा है। आप ऊपर छत दिखा दीजिए, यह पीओपी से इसमें डिजाइन चल रही है। और जैसा कि अभी हमने आपसे दिखाया था कि ये दोनों रूम से ये ओटीएस जो है ये आपका रहेगा, इसमें दोनों रूम से इसमें आ जा सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो लोग छोटा मकान चाहते हैं और अच्छा, तो 1000 स्क्वायर फीट में ये बहुत ही अच्छा मकान है। अगर कोई इसे लेना चाहता है तो वो आके इसे देख सकता है, विजिट कर सकते हैं, यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख सकते हैं, पिलर पे बने हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा ये आपको मकान बनाया गया, सिर्फ 6 यूनिट है। तो अगर कोई चाहता है तो इसमें से 2 यूनिट पहले ही बिक चुकी है, और कॉर्नर अभी इसमें अवेलेबल है। अगर कोई चाहता है कॉर्नर का लेने के लिए तो वो आके तत्काल आके देख सकता है। जो ऑफर है वो हम आपको बताएंगे। चलिए मैं आपको छत पे ले चल के छत दिखाएंगे, और जो इसमें पिलर बनाए गए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथियों आप छत आप देख सकते हैं, ये पूरी छत बनी हुई, जैसा कि हम पिलर की बात कर रहे थे, पिलर आप यहां से देख सकते हैं। ओटीएस भी यहां पे बनाया गया, वो भी आप देख सकते हैं, और सारी चीज़ें आपको यहां से दिखाई पड़ेगी। जैसा कि अभी मैं सहारा हॉस्पिटल की बात कर रहा था, सहारा हॉस्पिटल भी आपका सामने है, एकदम मार्केट से ये लगा हुआ है प्रोजेक्ट जो है। और ये श्रीराज इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, ये रो हाउस का, जो कि 6 यूनिट यहाँ पर इन्होंने बनाया है। तो सिर्फ 4 यूनिट बची हुई है, 6 यूनिट का प्रोजेक्ट है, जो कि कॉर्नर अभी है इसमें, जो कि मैंने आपसे बताया है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो साथियों इसमें अगर कोई चाहता है कि उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अगर कोई देखना चाहता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें यूज, मटेरियल क्या यूज किया गया, तो उसके लिए पूरा ये मुझे कंपनी की तरफ से मिला है। तो मैं इसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप ये देख सकते हैं कि कौन सी मटेरियल कहां पे कौन सा टाइल्स यूज किया गया है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते। अब यहां ऊपर से मैं आपको दिखाता हूं, इधर साइड में जो मकान जो बन रहे, आप यहां से आप देख सकते हैं मार्केट में है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग मार्केट में ही लेना चाहते हैं, सिक्योरिटी रीजन से ये पूरी गेटेड कॉलोनी भी रहेगी। तो अगर कोई लेना चाहता है यहाँ पे तो जल्द से जल्द वो संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ एक ऑफ़र दिया गया है, अगर कोई यहाँ पर अभी तत्काल में अगर कोई 15 जनवरी तक यहाँ पर अगर कोई बुक करवा लेता है, और इसका जो प्राइस रखा गया वो 45 लाख रुपये रखा गया, तो इसके साथ एक 220cc की पल्सर बाइक भी आपको मिलेगी अगर कोई रजिस्ट्री कराता है तत्काल। तो अगर कोई चाहता है इस लोकेशन पे लेने के लिए तो वो संपर्क करे, गोमती नगर में है, इसमें आपको एक बाइक मिलेगी, सबसे अच्छी बात है। और अगर कोई ऐसा भी चाहता है कि उसे बाइक ना लेके कुछ उसे
टीवी से लेके, टीवी मिलेगी, वॉशिंग मशीन मिलेगी, बेड मिल जाएगा, सोफ़ा मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी ऑफर के तहत। तो अगर चाहता है तो वो बाइक ले ले, या चाहता है घरेलू सामान तो घरेलू सामान उसे मिल जाएगा सबको। तो आके बहुत जल्द ही आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करें, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक बटन को प्रेस करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।